कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। लौकी के खेती करो संगवारी, ए महाबे प्रोटीन बड़ा भारी। लौकी के खेती से लाभ तुमन कमाहू, लौकी के खेती करो संगवारी। लौकी के खेती से लाभ तुमन कमाहू, जानकारी देवर आवथे कुमुदनी साहू। तो संगवारी हो जय जोहार, पुनः आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। संगवारी हो देखो, लौकी के खेती के बड़ा संभावना बताते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और लौकी के महत्व के बात करन तो भिनसरहल में शहर में देखबे तो बहुत सारा संगवारी मन मॉर्निंग वॉक करत है, बिहनिया घूमेल जाते। ओकर बाद जगह जगह ठेला लगे रही थे, एक जूस बनाए के और जूस पियत रही थे, तो बहुत से औषधि गुण रही थे। और संगे संग हमारे नानपन ले संगवारी है लौकी के साग ला खावत हन, सूखा खा ले और मसालादार खा ले, खट्टा में खा ले, एक गजब अकन पकवान बनते, भजिया तको बनते। तो ऐसे बात है संगवारी, ओकर महत्व देखते किसान मन है किसानी बूता करके ज़्यादा ज़्यादा लाभ कमा सकत है। तो संगवारी हो आज हमन चर्चा ही विषय में करबो कि लौकी के सफल खेती कैसे होना चाहिए। विशेषज्ञ आवत है, तब तक आप मन देखो खास बात। पुराने समय से ही हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में और पूरे भारत में ही हल्दी की जो हल्दी जो है वो एक औषधि गुण के रूप में तथा मसाले के रूप में उपयोग की जा रही है। हल्दी जो है वो एक कंदई फसल होती है, जिसे अदरक और आलू के समान ही मिट्टी में उगाया जाता है, जो ज़मीन के नीचे कंद के रूप में विकसित होती है, जिसे फिर फसल के तैयार होने के बाद हम गुड़ाई करके निकाल लेते हैं। जलवायु जो हल्दी की जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है, जो कि छत्तीसगढ़ की जलवायु है। इसके लिए जो तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए तथा नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, तथा इसमें जो वर्षा होती है यह अनुमानित रूप से 200 से 250 तक mm तक की वर्षा पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, यदि हम मिट्टी की बात करें तो हल्दी की फसल के लिए जो मिट्टी होती है वह बलुई दोमट मिट्टी की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, परंतु जल निकास वाली मिट्टी में हम हल्दी की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। संगवारी हो अब और संदेश के बाद चर्चा ल शुरू करन, लौकी के उन्नत खेती के बारे में आपसे चर्चा करन। कुमुदनी साहू जी है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा जिला दुर्ग के सहायक प्राध्यापक हरे। उकर से सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ में लौकी के खेती के कतेक संभावना है, और लौकी के बात करन तो औषधि गुण का है, ओकर का महत्व है, लौकी खेती किसान मन काबर करे, ये सब बात ल बताही। आवो कुमुदनी साहू का कहा थे ध्यान से देखथन संगवारी हो। नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुसार हमारे यहाँ लौकी की अपार संभावनाएं हैं। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु जिसके जर्मिनेशन के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है, और बढ़वार के लिए 32 से 38 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। वहीं हम भूमि की बात करते हैं, भूमि हम कैसे लेनी चाहिए और भूमि का उपचार क्या करना चाहिए, भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो भूमि की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की भूमि में हम लौकी का उत्पादन ले सकते हैं, जैसे कि भाटा, मटासी, कनार, डोरसा। लेकिन उपयुक्त और अच्छा उत्पादन के लिए हमको बलुई दोमट तथा जीवाश्म युक्त चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच कम से कम 6 से 7 तक होना चाहिए, और पथरीली ज़मीन में इसकी उत्पादकता थोड़ी कम होती है या पथरीली ज़मीन में इसका उत्पादकता नहीं ले सकते। किसान भाइयों देखे हो, लौकी के खेती कैसे होना चाहिए, ओकर संभावना ओकर महत्व बताई से, अब ओकर जमीन कैसे होना चाहिए, यानी माटी कैसे होना चाहिए लौकी के खेती पर, माटी के जांच कराना जरूरी है का, और माटी के जांच हम कैसे कराबो, माटी के जांच कराए से का फ़ायदा है, और संगे संग जो ज़मीन बतावत है वो ज़मीन के तैयारी हमन कैसे करबो,
किसानी बूता में यदि तैयारी ज़्यादा अच्छा होते तो बहुत ज़्यादा फसल भी मिलते संगवारी हो। तो जमीन के तैयारी कैसे करबो आवाओ सब वो बात फोरिया के बतावा थे कुमुदनी साहू जी हैं देखन का कहा थे। किसान भाइयों, मिट्टी की तैयारी के बारे में बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमको एक दो बार मिट्टी पलट हल से मिट्टी पलट लेना चाहिए। उसके बाद दो तीन कल्टीवेटर चला देना चाहिए और पाटा चला देना चाहिए ताकि हमारा जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो सके और कहीं पानी का जमाव ना हो सके, पानी का बराबर वितरण हो सके। अब हम बात करते हैं इसके लिए उर्वरक की। तो भूमि की तैयारी करने के समय 10 टन गोबर की खाद हमको मिला देना चाहिए बराबर मात्रा में। गोबर की खाद मिलाने से हमारे मिट्टी में नमी बनी रहती है व उर्वरकता भी बनी रहती है। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब की मात्रा हमारे गोबर खाद में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमको मिट्टी में गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। किसान भाइयों देखियो, जमीन के तैयारी की बात बताई से जमीन के जांच कराना बड़ा जरूरी है। कहातरी से कैसे कैसे जांच से फ़ायदा होते वाला बताई। अब लौकी कैसे लगाना है, कौन सा किस्म के लौकी हम लगाबो, बीज उपचार कैसे करबो, लगाए के विधि का है, कतका दूरिया में हम लगाबो, मंडप अपन छावत हन तो ओकर हिसाब से दूरिया कैसे होना चाहिए, कौन सा किस्म के लौकी है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्रसिद्ध है, आवाओ पूरा जानकारी आप मल देवावत हन कुमुदनी साहू जी से। किसान भाइयों, बुआई का समय और बुआई कैसे करनी चाहिए, कितना बीज दर इसमें लगता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। बुआई का समय किसान भाइयों गर्मी के दिनों में और वर्षा के दिनों में की जाती है। ग्रीष्मकालीन बुआई सितंबर जनवरी से मार्च में की जाती है और वर्षाकालीन बुआई जून जुलाई में की जाती है। जब हम ग्रीष्मकालीन बुआई करते हैं तो उसके लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज दर लगता है पर हेक्टेयर, और अगर वर्षाकालीन बुआई करते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम बीज दर लगता है पर हेक्टेयर। अब हमको बुआई कैसे करनी चाहिए तो किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.5 मीटर की रखते हैं ताकि उसका बढ़वार अच्छे से हो सके और अच्छे से उत्पादन हो सके। किसान भाइयों देखे हो, कौन कौन सा किस्म हमला लगाना चाहिए, लगाए के विधि का है, ये सब बात बताई से। किसान भाई हो कथे कि बूंद बूंद पानी बचाना जरूरी है और पानी के मांग कतका जरूरी है वो जानत हो। सबो डहर पानी बिना कुछ नहीं हो सके, चाहे फल फूल हो, साग भाजी हो, धान हो, ओन्हारी हो, मनखे हो, पशुधन हो, चिड़ई चिरगुन हो, घर बनावे ता कुछ काम करबे ता सबो जगह पानी की आवश्यकता होते, उतका पानी नहीं है और पानी भी बचाना है संगवारी हो। तो पानी बचाते हुए हमन जल प्रबंधन कैसे करबो लौकी के खेती में आवाओ बतावत है आप मन ध्यान ले देखो। किसान भाइयों बीज के लगाते ही तुरंत हमको उसमें फर्स्ट इरिगेशन दे देना चाहिए बीज लगाते ही। उसके पश्चात ग्रीष्मकालीन अगर फसल है तो 4 से 5 दिनों के अंतराल में हमको सिंचाई करनी चाहिए, और वर्षाकालीन फसल है तो उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है, किंतु शीत ऋतु की है या ठंड के दिनों में हमको 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों हमको सिंचाई मल्चिंग या ड्रिप मल्चिंग लगाते हैं तो हमको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई करनी चाहिए। मल्चिंग से कुछ लाभ भी है, जैसे कि हमको पानी सिर्फ पौधे में ही पड़ता है, हमारे पूरे ज़मीन में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और उसके अलावा मॉइस्चर को बनाए रखता है, नमी को बनाए रखता है। उसके अलावा वीट की जो खरपतवार की समस्या होती है वो भी कम होती है। पौधे के पास पानी पड़ने से पूरे फील्ड में खरपतवार नहीं उगते हैं। उसके अलावा कीट और रोग का भी संक्रमण कम होता है। वैसे ही ड्रिप इरिगेशन से अगर हम सिंचाई करते हैं तो उससे 70 से 75% पानी की बचत होती है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन उर्वरक है, पोटास है, उसको फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं पौधे के जड़ों के पास। जिसके पास अगर ड्रिप की सुविधा नहीं हो पाती है वो फ्लड के थ्रू पूरे खेत में इरिगेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ड्रिप इरिगेशन को ही अपनाना चाहिए। संगवारी हो बेरा हो गए एक ठन विराम के, मैं लेता हूँ विराम, आप मन देखा हो ये खास संदेश। मेरे साथ बोलो ए ए बी बी
अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कोनो भी फसल होए संगवारी हो, पौधा के बढ़वार तब होते जब ओला खान पान देथन, यानी पोषक तत्व देथन। मनखे मन लभी खाना पानी देबो तब बढ़िया काम बूता में तंदुरुस्त रहथन, काम बूता करे के लायक रहथन। वही प्रकार से फसल में तको हमला पोषक तत्व देला पड़ते। तो लौकी में कौन कौन सा पोषक तत्व देना है, कब देना है, कतका मात्रा में देना है और का का देना है, ये सब बात ल बताही। और संगे संग यू बात के जानकारी आप देवाबो कि खर पतवार आगे यानी नींदा मन आगे तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन, का नियंत्रण जरूरी है खेत के सफाई के, सब बात ल बढ़िया बताही। आप मन ध्यान ले देखो किसान भाइयों मैं बात करूंगी खाद एवं उर्वरक की। तो सबसे पहले खाद एवं उर्वरक आर्थिक बचत के लिए हमको सबसे पहले भूमि की खाद एवं उर्वरक की जांच करवा लेनी चाहिए। जांच करवाने के पश्चात हमको उसमें खाद एवं उर्वरक डालना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो 30 से 40 टन FIM, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पर हेक्टेयर। वही हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं किसान भाइयों, तो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों ही ऋतुओं में सिंचाई के साथ साथ खरपतवार भी भारी मात्रा में उपज आती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको समय समय पे निराई गुड़ाई करनी चाहिए। कम से कम 20 से 25 दिनों के अंतराल में खेतों में लौकी के किनारे निराई गुड़ाई करनी चाहिए व उसमें जड़ों के किनारे मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारा उपज बढ़ सके और हमारा पौधे का बढ़वार अच्छे से हो सके। किसान भाइयों, हम इसके लिए मचान भी तैयार करते हैं ताकि हमारे लौकी का बढ़वार अच्छे से हो सके, रंग अच्छे से हो सके और उपज भी अच्छे से मिल सके। इसके लिए हम मचान तैयार करते हैं 5 से 5.5 फीट, ताकि उसकी तुड़ाई भी अच्छे से हो सके। और इसके लिए हमको मचान के लिए लकड़ी या खम्भा का उपयोग करते हैं और उसमें हम तार गूंथ देते हैं ताकि हमारा जो बेल है वो अच्छे से फैल सके। और बेल के फैलने के लिए हमको शुरुआती दौर का बढ़वार जो रहता है उसको थोड़ा से काट देते हैं ताकि हमारा बेल और अच्छे से फैल सके। तो संगवारी हो, देखे हो खेत के सफाई और पोषक तत्वों के बारे में भी बतावा तरीके से किसान भाई हो। एकर बाद लौकी तो वैसे औषधि गुणों से भरपूर है, आप सब जाना था, एकर जूस भी हमन पीथन आप सब जाना था। तब भोले फसल ले के बेरा कुछ न कुछ समस्या जरूर आते।
तो वो समस्या का है, बीमारी, रोग, कीड़ा मकोड़ा, दीमक आदि आदि, तो एक उपचार हम कैसे करबो, और यदि कोई ऐसे उपचार भी है का जो लौकी में कोई समस्या झन आवे, यो बात ला देखेल पड़ी, तो आवा ये सब जानकारी आप मतलब देवावत हन, ध्यान ले देखते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, सबसे पहले हैं बात करेंगे कीट की, तो इसमें लौकी लाल कीट लगता है जो कि प्रौढ़ और गर्भ अवस्था में होते हैं। जो प्रौढ़ अवस्था होती है वो लौकी की कोमल पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, और गर्भ अवस्था जिसको इल्ली भी बोला जाता है वो लौकी के जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके रोकथाम के लिए हम इमीडा क्लोरोप्लीट 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करते हैं और छिड़काव करते हैं। उसी प्रकार इसमें कीट लगता है, फल मक्खी लगता है, जो कि जो प्रौढ़ होता है वही नुकसान पहुंचाता है। प्रौढ़ मक्खी जो होता है वो फल को नुकसान पहुंचाता है, फल या पत्ती में एक देता है, और जहां एक दिया रहता है, जहां अंडा दिया रहता है, उस पोर्शन में गलन स्टार्ट हो जाता है और जो फल होता है वो गल के गिर जाता है, पत्तियाँ भी गल के गिर जाती हैं। किसान भाइयों, रोग की बात करते हैं तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, जो कि हमको पाउडर के जैसे दिखाई देता है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बा के रूप में दिखाई देता है, जिससे हमारा उत्पादन बहुत ही मात्रा में कम हो जाता है। उसके रोकथाम के लिए हमको फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि थायरम बाविस्टिन का उपयोग करना चाहिए, उसके अलावा हेक्सा क्लोरोजोनल का उपयोग करना चाहिए। 5 g/L वाटर का घोल बना के हमको छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हम जैविक विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नीम की पत्तियों का रस, नीम की पत्तियों को उबाल कर हम उसको खेत में छिड़काव करने से जो कीट होते हैं उसका नाश होता है, उसके अलावा बीमारी का भी रोकथाम होता है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी किसान भाइयों, डाउनी मिल्ड्यू एक रोग है जो फफूंद के कारण ही लगता है, उसका उपचार भी हम फफूंदी नाशक का उपयोग करके कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम हो गया, हेक्साक्लोनाजोल हो गया, इसका उपयोग 5 g/L पानी की मात्रा से छिड़काव करके किया जा सकता है। एक होता है वायरस, वायरस जो होता है वो छोटे उम्र में ही लग जाते हैं, जब पौधा छोटा होता है उसी उम्र में पौधे का पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, मुरझाए हुए दिखती है, सिकुड़ जाती है, उस अवस्था में हमको पौधे को पहचान कर पौधे को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ताकि वायरस पूरे खेत में ना फैल सके। उसके अलावा जो रोगवाहक कीट होते हैं उसको नष्ट करने के लिए इमीडा क्लोरोप्लीट का उपयोग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अब मनोरंजन के बेरा हो गए तो देखथन बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी गीत संगीत। बैठे वो सागर के पार घुंघरू बजावे हुमाय, बैठे वो सागर के के पार घुंघरू बजावे हुमाय।
हो मैया कड़राए के बालकवा किसानी बूता के बाद आज लौकिक खेती हमन करत रहन संगवारी हो तेकर महत्तल भी जान डरे हो और कैसे लौकिक खेती होते तिहुल जान डरे हो गीत संगीत ल भी सुन डरे हो देख डरे हो तो किसानी बूता में लौकी के खेती को ती लौट सकत हो किसान मन हा और यदि बेरोजगार संगवारी मन देखत है हमार कार्यक्रम ला तो वो मन तको उद्यानिकी विभाग के जो योजना है संगवारी हो तेकर से लाभ उठा के लौकी खेती कर सकत हो और वैसे जिसे देखत हो इसने आपो मन के खेत में बढ़िया भंडारण रही संगवारी हो तो यही शुभकामना के संग अब हमार कार्यक्रम ही मेर सिरावत है किसान भाई हो अब यह दरी एक नवा विषय के संग गोड़ बात करे बर हमन आप मन के तीर फेर आबो तब तक मोला देव आज्ञा जय जोहार।